आपको मालूम है कि बाई इलेक्शन की वजह से सभी जो है वो अपनी अपनी जगह पे कईयों की ड्यूटियां लगी हैं, अपने काम में व्यस्त है। मेरी पार्टी की तरफ से जुबल कोटखाई नावर में मेरी ड्यूटी लगी है। मैं क्योंकि साथ में मेरे बिल्कुल बगल में अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी है, अर्की कॉन्स्टिट्यूंसी की ये कोई 12-13 पंचायतें हैं जो बिल्कुल मांगड़ से लेके भराड़ी घाट से लेके बाड़ी की धार से लेके और ये ऊपर लाख घाट तक का एरिया जो पड़ता है, ये पंचायतें मेरे बिल्कुल साथ साथ की पंचायतें हैं। मुझे ये आदेश हुआ था कि मैं 2-3 दिन इन पंचायतों में भी लगा, तो मैं कल सुबह से अर्की हल्के की पंचायतों में हमारे जो कैंडिडेट हैं उनके साथ, और हो सकता है कि वहाँ पे हमारे कर्नल शांडिल वो भी शामिल होंगे क्योंकि उनका पुराना लोकसभा का हल्का है। तो 2 दिन लगाने के बाद फिर मैंने ये सोचा कि मैं आप लोगों से यहाँ पे कुछ बिंदु हैं जिनके बारे में आप लोगों से मैं चर्चा करूँ और आप लोगों के माध्यम से सारी जो वास्तु स्थिति है उसके बारे में प्रदेश की लोगों को जो है उन बातों का ज्ञान हो। पहली बात तो यह है कि बाई इलेक्शन है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का है, 3 विधानसभा के बाई इलेक्शन हैं और इन इलेक्शनों में ऐसा लग रहा है कि ये सरकार के नाक की बात बनी है, क्योंकि मेंबर पार्लियामेंट का निधन हुआ मंडी से, वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी के लिए और जगत प्रकाश नड्डा के लिए ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी का मेंबर पार्लियामेंट वो नहीं रहा, उसकी जगह पे चुनाव हो रहे हैं। और जो पहले हमारी 2 बार वहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रही हैं प्रतिभा सिंह जी, कांग्रेस पार्टी ने उनको उम्मीदवार बना के इस चुनाव में खड़ा किया, और साथ में जुबल कोटखाई है, अर्की है, कांगड़ा में हमारे जो है वो सुजान सिंह पठानिया जी की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें चुनाव हो रहे हैं। लेकिन बयान अगर देखें आप मुख्यमंत्री से लेके इनके सारे जितने प्रवक्ता और प्रभारी और सह प्रभारी हैं, इनके अगर बयानों को देखा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनावों के आने वाले नतीजों को देखकर छटपटा रही है। लोगों का ध्यान जो है वो परिवर्तन करने के लिए वो झूठ सच का सहारा लिया जा रहा है, और मुझे इस बात की हैरानी हुई कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महंगाई के ऊपर बात कर रहे थे तो उन्होंने अपने बयान में, ये मुख्यमंत्री का बयान है, ये को पेपरों में छपा हुआ कांट कूट के जो है वो कहा जाए कि ये बयान प्रस्तुत किया गया है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये जो प्याज की दर है ये कांग्रेस पार्टी के शासन में 130 रुपये प्याज बिका था। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मनमोहन सिंह जी के टाइम में ये जो कुकिंग गैस है उसके जो रेट थे वो 1000 रुपये से ज़्यादा सिलेंडर चला गया था। मैं उन्हीं की बात के ऊपर से शुरू करना चाहूँगा, शायद मुख्यमंत्री जी इस बारे अनभिज्ञ हैं या जानबूझ के करके ये प्रदेश के लोगों को जो है वो जो है तथ्यों से परे रख के चुनावी बेहतरीन नदी को जो है वो पार करना चाह रहे हैं।